बचपन में मैं जब स्कूल में खेलते थे, हमारे जैसे नजदीक गांव होता था बूढ़ा खेड़ा, तो फिर वो दोस्त लोग थे वो ले गए साथ में और बोले बोला चल अपनी टीम को हरा रहे हैं बार बार कबड्डी, तो उनके साथ खेले वहां जीत गए थे, थोड़ा अच्छा लगा था। वहीं से कबड्डी का थोड़ा स्टार्टिंग हुई थी। वो गांव में टूर्नामेंट हुई हुई थी, तो गांव के उस मैच में इसको उतारा, इसने मतलब तीन चार चार पांच कैच की अच्छा खेला ये, तो फिर उसको वहाँ पे इनाम वगैरह मिला। उससे फिर इसकी रुचि कबड्डी की तरफ ये अट्रैक्टिव होता चला गया। मन भी खुद दोनों आना चाहता, इसके पापा ने भी मन भी कि हमारे बच्चे कबड्डी खेलना, पढ़ाई में बल्कि हमने इतना नहीं था जितना कबड्डी तो था। देखिए फैमिली तो सभी की अच्छी होती है, मगर मुझे ये लगता है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मैं जो बोलता हूँ कभी मना नहीं करते। मनीष भाई साहब जब भी घर पे रहते हैं तो मतलब उनका माहौल एक मतलब एक इन्वॉल्वमेंट है ना, इतना अच्छा होता है कि जो ज्वाइंट फैमिली में होना चाहिए ना वो वेदर बिल्कुल नजर आता है कि हाँ भाई घर में कोई है। मनीष भैया मस्ती खोर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ का उनका कुछ अलग ही है। बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ शरारत करना बहुत अच्छा लगता है और ज्यादातर ये बच्चों के साथ ही खेलता है। कई बार बेटियों के बारे में बातें होती थी, दो बेटियां हैं बेटा नहीं है, तो वे कहते हैं बेटी भी बेटों से बढ़कर है। हम सबको दिखा देंगे हम लड़कों से कम नहीं है, हम गीता बबीता के जैसे बनेंगे। मैं 2006 में भर्ती हो गया था एयरफोर्स में। एयरफोर्स में आने के बाद रामवीर कोच साहब, बलवान कोच साहब थे हमारे, उनके अंडर में प्रैक्टिस की, तो वहीं से ज्यादा तो करियर वहीं से स्टार्ट हुआ था। बीच में एक बार नी इंजरी हो गई थी, उसके बाद इसने छोड़ दिया था कबड्डी खेलना, तो हमने कहा भाई हमारे घर से भी एक कबड्डी प्लेयर होना चाहिए। मम्मी ने मैंने उसको बहुत बोला कि भाई तू कर सकता है, उसको काफी मोटिवेट किया और उसने हमें आश्वासन दिया कि भाई मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। वो घर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, सीधा साधा खाना चाहिए उनको, दही लस्सी वगैरह टिंडे की वगैरह खाते हैं ज्यादा। सबसे पसंद उसने कढ़ी, बाजरे की रोटी, लस्सी, टिंडी का घी, लाल मिर्चा की चटनी। राइस के प्रति बिल्कुल पागल है, जैसे घी, दूध, फ्रूट, जूस, एक जैसे स्पोर्ट्समैन को जो अच्छी डाइट चाहिए होती है वो ये खाता है। फैटी चीज नहीं खानी, प्रैक्टिस पे अच्छा ध्यान देना और मतलब ऐसी ही चीज खाते हैं मतलब जो फैट ना करे, क्योंकि परों के अंदर अब वेट आ गया है, पहले वेट नहीं होता था, अब वेट आ गया, वेट को गेन करके रखना पड़ता है, उसी लिए वो ऐसी ही चीज खाते हैं जिसमें वेट फैट ना हो। राम सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ही मेरे लाइफ की तस्वीर बदल दी, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, उनके अंडर में प्रैक्टिस की, बस ये मान लीजिए कबड्डी मेरी स्टार्ट वहीं से हुई है। अब इसको रिटेन किया है, हमें पूरा भरोसा ये जो पहले सीजन में खेला था फाइव में उससे भी कहीं ना कहीं बेस्ट करके दिखाएगा। पटना पायरेट टीम में कुछ हटके है, तीन बार ये चैंपियन रह चुकी है, अब की बार भी ऑफकोर्स चैंपियन ही रहेगी, और पिछली बार भी जब मनीष भाई खेल के आए तो उनका गाँव में हमने स्वागत किया था। गाँव में स्वागत में हमने मतलब ऐसे सोचा था कि 500-600 आदमी, कम से कम भी 2000-2500 आदमी जुड़ चुके थे उसके अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, वो इतने बड़े स्टार बन गए, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो कहते थे एक दिन मेरा वक्त जरूर बदलेगा और वो आज आ गया वो दिन। देखिए कबड्डी की तो तस्वीर ही बदल दी इस दिन प्रो कबड्डी ने, सभी को अच्छा लगता है ऐसे कोई उनका फैन हो, उनके बारे में अच्छा बोले, टीवी पे दिखे, कबड्डी के लिए सबसे बड़ी बात है ये। मनीष का मैच आता है तो मैं सारा काम काज छोड़ के देखने लग जाती हूँ, और आस पड़ोस की
औरतों से भी ये कहती हूँ, आज मनीष का मैच आएगा और टाइम से काम कर लेना, आज आराम से टीवी देखेंगे। बहुत अच्छा फील होता है मेरे को, जैसे सभी सेल्फी लेते हैं और मैं उनके साथ फोटो होती है मेरी, मैं कभी स्टेटस पे डाल देती हूँ, सभी ये पूछते हैं ये कौन है, मेरा भाई है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये पूछते हैं, ये तो पटना पाइट्स में खेलता है, प्राउड फील होता है मेरे को। मैं चाहूँ हूँ कि मेरे बेटे के जितने इतने जानकार से इतने इससे ज्यादा और बने, और दुआ करें सारे ऊंचा चढ़े मेरा बेटा। आप दुआएं कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो कमिंग अक्टूबर में टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें इनके सितारे बुलंद रहें, और साथ साथ उनके जो फैन हैं वे भी उनकी राह पे चलने की कोशिश करें। अभी ये मतलब सारे फैंस ऐसे ही मतलब दुआ करते रहे मेरे पापा के लिए और पटना पायलट्स ऐसे ही जीतती रहे। हम तो यही दुआ कराने भाई, पटना पायलट चौथी बार विनर हो और मनीष भाई का बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो, बहुत बढ़िया। मनीष जी के फैन के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने अपना प्यार मनीष जी को और उनकी टीम को दिया है उसी तरह देते रहे और आगे उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी फैन फॉलोइंग बनाते रहे, बरकरार रखिए और आशा कीजिए कि पटना पायलट्स जीते। पटना पायलट जिंदाबाद। पटना पायलट।